प्रदेश में 17 बीटेक कॉलेज हैं, 15 बी फार्मेसी के हैं, 8 एमबीए के हैं, 2 एमसीए के हैं। तो इस तरह से टोटल 42 कॉलेजेस हैं जिनमें हम टेक्निकल, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और खुशी की बात यह है, इस बार एक नेशनल हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी बिलासपुर में खोल दिया है सरकार ने, उसके लिए भी एडमिशन हम लोग करेंगे। जो उसकी काउंसलिंग है वो थ्रू एचपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के थ्रू होगी। सो जिन बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन्स लेने हैं बीटेक में, बी फार्मेसी, एमबीए, एमसीए में, उनको एचपीसीटी हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2017 में अपियर होना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हम एडमिशन करेंगे। जहां तक बीटेक की बात है, 50% सीट्स जो है वो जेई के थ्रू भरी जाएंगी, बाकी सबकी सब सीटें जो है वो एचपीसीटी 2017 के थ्रू भरी जाएंगी। सो मेरा सभी विद्यार्थियों से यही अनुरोध रहेगा कि एचपीसीटी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख जो है वो माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आर एल शर्मा जी ने एक्सटेंड कर दी है। पहले लास्ट डेट 29 अप्रैल थी, अब जो यूनिवर्सिटी ने लास्ट डेट है वो एक्सटेंड करके 4 मई कर दी है। सो सभी विद्यार्थी जो हिस्सा लेना चाहते हैं ऑनलाइन में, वो फॉर्म भरने में, वो 4 मई 2017 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। उसी के बेसिस पे बीटेक, बी फार्मेसी आयुर्वेदा, एमबीए, एमसीए में एडमिशन होगी। जहां तक एग्जामिनेशन की बात है, इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है हमारा 2 मई 2017 से चालू है, जो कि 25 मई इसको खत्म हो जाएगा। मैं बच्चों से यही दरख्वास्त करूंगा कि वो अनफेयर मीन से दूर रहें, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में ना लेके जाएं। सभी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी ने सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट तैनात कर दिए गए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड भी ऑब्जर्वर कर दिए गए हैं। जो एग्जामिनेशन का ऑनलाइन व्यू है वो जैसे आप देख भी रहे थे यहां मेरे कमरे में उपलब्ध रहेगा। सभी कॉलेजेस जो हैं, 6 कॉलेजेस पिछले साल जुड़े थे, इस साल भी हम और कॉलेजेस जोड़ रहे हैं। एग्जामिनेशन लाइव जो व्यू है मेरे कमरे में रहेगा। यूनिवर्सिटी की बहुत तीखी आंख जो है वो अनफेयर मीन्स पे रहेगी, किसी भी नकल करने वाले स्टूडेंट्स को बख्शा नहीं जाएगा। सो स्टूडेंट से ये मेरा अनुरोध रहेगा कि खूब तैयारी करके जाएं, मेहनत करके जाएं और अच्छे नंबर लेके जो है वो बीटेक में पास हो जाए।